Comfortably unaware. Dr. Richard A. Uphalander. हम जो खा रहे हैं वही हमें और हमारी धरती को धीरे धीरे मार रहा। Comfortably unaware. Dr. Richard A. Uphalander. हम जो खा रहे हैं वही हमें और हमारी धरती को धीरे धीरे मार रहा है। सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने, धरती, हवा और पानी की दूषित होने, जंगलों के कटने और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बातें कर रहे हैं। ये किताब हमें धरती के हालातों के बारे में बताती है। ये हमें बताती है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल के जलने से ही नहीं, हमारे खाने से भी धरती दूषित हो रही है। हमारे खान पान और जानवरों को बड़ा करने के तरीकों से इस धरती पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसे पढ़ने के बाद शायद आप कभी भी मीट ना खाएं। और आप जानेंगे कि क्यों जंगलों के खत्म होने से कैंसर के इलाज की उम्मीद भी खत्म हो रही है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। समुद्र का इस्तेमाल क्यों ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। पहला सबक, हम जो खाते हैं उसका हमारे वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा असर पड़ रहा है। अगर हमें सच में ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें अपने खान पान को बदलना होगा। हमें मीट, मछली और डेयरी की चीजें खाना बंद करनी होंगी। हम वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग और धरती का तापमान बढ़ रहा है। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। 1750 और 2006 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 35% बढ़ गई है और पिछले 15 सालों में मीथेन की मात्रा 145% बढ़ गई है। ये सच में गंभीर समस्या है क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा शक्तिशाली होती है और ग्लोबल वार्मिंग को 23 गुना बढ़ाती है। ज्यादा जानवरों को पालने की वजह से ही मीथेन की मात्रा इतनी बढ़ गई है। लगभग 40% मीथेन की मात्रा सिर्फ जानवरों को पालने की वजह से बढ़ी है। जानवरों को पालने की वजह से 65% नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 310 गुना ज्यादा जिम्मेदार है। मगर ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल डिप्लीशन का एक छोटा सा हिस्सा है। ग्लोबल डिप्लीशन की वजह से हमारी धरती के सारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। आज हम पेड़ों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम कुदरत को इसे फिर से उगाने के लिए उतना समय नहीं दे रहे हैं। आने वाले सबक में हम सीखेंगे कि कैसे फूड इंडस्ट्री हमें ग्लोबल डिप्लीशन की ओर धक्का दे रही है। दूसरा सबक, लाखों एकड़ के जंगलों को हर साल जानवरों को खिलाने के लिए काट दिया जाता है। किसी को ये सोचना अच्छा नहीं लगता कि एक चीज बर्गर का हमारे वातावरण पर क्या असर हो रहा है, पर इससे पहले कि आप अपना अगला चीज बर्गर मंगाए आप ये जरूर सोचिए। यूनाइटेड नेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि हम हर साल 70 करोड़ जानवरों को खाते हैं और इन जानवरों को बड़ा करने के लिए हमें भारी मात्रा में पानी, जमीन, फॉसिल फ्यूल और खाने की जरूरत पड़ती है। ग्लोबल डिप्लीशन की एक सबसे बड़ी वजह है मीट इंडस्ट्री का जंगलों को साफ करना। हमने अमेजन के 70% जंगलों को हमेशा के लिए खो दिया है और 1970 में हम हर साल 3.40 करोड़ एकड़ जंगलों को खोते आ रहे हैं। 50 साल पहले धरती का 15% भाग जंगल था और आज सिर्फ 2% ही रह गया है। जंगल हमारी धरती के लंग्स होते हैं। हमें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसका 5 में से 1 भाग जंगलों में से आता है। इसके अलावा जंगल लाखों टन के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। हम जितना ज्यादा पेड़ काटेंगे धरती को सांस लेने में उतनी ही दिक्कत होगी। लेकिन जंगलों को काटने से सिर्फ हमें ऑक्सीजन का ही नुकसान नहीं हो रहा, हम उन 50 लाख पौधों और जानवरों को खो रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। जंगलों में लगभग 2000 ऐसे पौधे हैं जिनमें कैंसर को ठीक करने की क्षमता है। इनमें विनक्रिस्टीन होता है जो कैंसर से लड़ता है। लेस्ली टेलर की किताब द हीलिंग पावर ऑफ रेन फॉरेस्ट हब्स की माने तो कैंसर की 70% दवाइयाँ जंगलों से आती हैं। साइंटिस्ट की माने तो हम हर दिन पौधों की 100 प्रजातियाँ खो रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इससे सेहत के लिए कितनी सारी फायदेमंद चीजों को रोज खो रहे हैं। जंगलों को जानवरों को खिलाने की बजाय उन्हें बचाकर असल में हम खुद पर ही एक एहसान करेंगे। तीसरा सबक, अनाज को जानवरों को खिलाने के बजाय अगर हम इंसानों को खिलाएं तो खाने की कमी दूर हो सकती है। अगर हम जानवरों के लिए इतनी जमीन न इस्तेमाल करें तो हम इस धरती पर सभी को खिला सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में उगाए जाने वाले अनाज में से 70% अनाज जानवरों को खिलाया जाता है। उस दौरान 2009 में लगभग 60 लाख बच्चे भूख की वजह से मर गए। दुनिया में आज इतना अनाज उगाया जाता है जिससे हर किसी का पेट भर सके।
लेकिन इसमें से ज्यादातर अनाज जानवरों को खिला दिया जाता है। 1986 में इथोपिया में खाने की कमी की वजह से वो दुनिया भर के न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में आ गया, मगर इसी दौरान इथोपिया में रैपसिड और लिंसीड भारी मात्रा में उगाए जा रहे थे, जो यूरोप के देशों में जानवरों को खिलाने के लिए एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। जानवरों के लिए खाना उगाने से हमारे लिए जमीन कम पड़ रही है और उस जमीन को नुकसान भी हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की 80% जमीन में जानवरों को खिलाने के लिए खेती की जा रही है। ओवरग्रेजिंग की वजह से जमीन के ऊपर की मिट्टी बह जाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो देखते ही देखते हमारी जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी। 50 करोड़ अफ्रीकियों ने देखा है कि उनकी जमीन वाटर साइक्लिन और बायोडायवर्सिटी जानवरों को खिलाने के लिए खेती करने की वजह से खत्म हो रही है। हम जानवरों को खाने की जितनी मांग करेंगे, हमारे संसाधन उतनी ही जल्दी खत्म होंगे। चौथा सबक, हमें पानी की भी कमी पड़ती है जब हम ज्यादातर पानी जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 70 अरब जानवरों को पालने के लिए सिर्फ खाने और जमीन की ही नहीं, पानी की भी जरूरत पड़ती है। उन्हें हर रोज हमसे कई गुना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। एक इंसान को दिन में सिर्फ 6 से 8 औंस पानी की जरूरत होती है, जबकि एक सूअर को 21 गैलन और एक गाय को 30 गैलन पानी की जरूरत होती है। हम सिर्फ एक 500 ग्राम मीट के लिए 5000 गैलन पानी खर्च करते हैं। हमें एक 500 ग्राम सब्जियां, फल और सोयाबीन उगाने के लिए सिर्फ 20 से 60 गैलन पानी की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर हम सिर्फ 500 ग्राम मीट ना खाएं तो हम इतना पानी बचा लेंगे जितना हम साल भर ना नहाकर भी नहीं बचा पाएंगे। सिर्फ जानवरों को ही पानी की जरूरत नहीं होती, उन्हें खिलाने के लिए उगाए जाने वाले अनाज के लिए भी भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। अमेरिका के लोवा बीफ प्रोसेसर्स में हर साल 15 लाख जानवरों को मारा जाता है। ये स्लॉटर हाउस जानवरों को खिलाने के लिए अनाज उगाने में हर साल 600 मिलियन गैलन पानी का इस्तेमाल करता है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पास पीने का पानी ज्यादा नहीं है। 70% पीने का पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2.5% पानी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी से हम इन संसाधनों को खत्म कर रहे हैं। अगर हम इस तरह पानी बर्बाद करते रहे तो 2020 तक हम सारे पीने के पानी को हमेशा के लिए खो देंगे। पांचवा सबक, ज्यादा मछलियां पकड़ने की वजह से हमारे समुद्र खाली हो रहे हैं। अगर हमें अपने वातावरण को बचाना है तो हमें सिर्फ मीट ही नहीं मछलियों पर भी ध्यान देना होगा। हमें जानना होगा कि ज्यादा मछलियां खाने से समुद्र पर क्या असर हो रहा है। ज्यादा मछलियां पकड़ना भी वातावरण के लिए नुकसानदायक है। लोग समुद्र के अंदर जाकर मछलियां पकड़ते हैं, जिससे समुद्र का जीवन खतरे में है। समुद्र के अंदर बहुत सारे समुद्री पहाड़ हैं, जो वहाँ के जीवों का घर है। इन जीवों में कोरल कर स्पंज जैसे हजारों दूसरे जीव आते हैं। मॉडर्न फिशिंग इंडस्ट्री समुद्र के अंदर रहने वाले इन जीवों को पकड़ती है। इसे हैवी बॉटम ट्रोलिंग कहते हैं। समुद्र के काफी अंदर तक जाल बिछाकर मछलियां पकड़ने से हमारे इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है और इसे फिर से ठीक होने में कई सदियां लग सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 70% मछलियों की प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं और हजारों प्रजातियां खतरे में हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर बिछाए जाने वाले बड़े बड़े जालों की वजह से दूसरे समुद्री जीवों की भी मौत हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 2009 में करीब 11 करोड़ मछलियां पकड़ी गई और इससे ज्यादा दूसरे समुद्री जीव पकड़े गए जिनकी मौत हो गई। इनमें से श्रिम्प फिशिंग से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सिर्फ 1 पाउंड श्रिम्प मछलियों को पकड़ने में 20 पाउंड दूसरी मछलियां, चिड़ियां और डॉल्फिन पकड़ी जाती हैं, जिन्हें मार दिया जाता है। छठा सबक, इंसानों को खिलाने के लिए जानवरों को बड़ा करने और उन्हें खिलाने और मारने से हमारी धरती प्रदूषित हो रही है। अब हम जान चुके हैं कि कैसे जानवरों को खाने से हमारी धरती पर बुरा असर पड़ रहा है। आइए देखें कि इससे हमारी धरती पर कितना असर पड़ रहा है। सिर्फ US कारखानों से हर मिनट लगभग 50 लाख पाउंड जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं। जितना वेस्ट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ये उसके मुकाबले 130 गुना ज्यादा है। ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट नालियों से बहकर पानी में मिल जाता है और इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट में वो सभी एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स और दूसरे केमिकल्स होते हैं, जिन्हें हम जानवरों को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन पॉल्यूशंस की वजह से हवा पर भी असर पड़ रहा है। सारी ग्रीन हाउस गैसों का 20% जानवरों के वेस्ट प्रोडक्ट से आ रहा है, जबकि 13% ग्रीन हाउस गैसेस गाड़ियों से आ रही हैं। इन गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया आती हैं, जो जानवरों के यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट से निकलती हैं। मछलियों को पालने की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। उनसे निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को समुद्र में फेंक दिया जाता है। उनके खाने और ऑयल के इस्तेमाल से प्रदूषण हो रहा है। इनसे डाइऑक्सिन जैसे कैंसर पैदा करने वाली चीजें निकलती हैं, जो फूड चेन से दूसरी मछलियों में चली जाती है। 2001 में की गई एक स्टडी में पाया गया कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक साल सैल्मन
मछली की खेती उतनी ही नाइट्रोजन निकालती है जितनी 6,82,000 लोगों के वेस्ट से निकलती है। जिन फिश फार्म्स में ज्यादा मछलियाँ होती हैं, वहाँ पर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारी सेहत पर और बुरा असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर हम जो खाते हैं उसका हमारी धरती पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ज्यादा मीट और मछलियों को खाने से हम अपनी धरती को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे दुनिया में खाने और पानी की कमी हो रही है और मौसम पर भी असर पड़ रहा है। हम जिस तरह से खा रहे हैं वो हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। हमें धरती को बचाने के लिए अपने रहन सहन और खान पान के तरीकों को बदलना होगा।